तुमको पता नहीं है, लेकिन राजा बहुत गलत काम करता है, बहुत सी बुराइयाँ, राजा भला काम बिल्कुल नहीं करता, लेकिन राजा के प्रति जनता के अंदर एक भाव पैदा करना कि हमारा राजा है, हमारी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, उसके प्रति एक अच्छी भावना, महापुरुष सत्संग के माध्यम से, जन क्रांति के माध्यम से लोगों को अपनी सेवाएं दे करके उनके प्रति मोड़ करके रखते हैं। गुरु महाराज ने पूरे महापुरुषों की बात कही। अगर हम भौतिक रूप से भी देखें तो महात्मा गांधी जो नाम सामने आ रहा है उसमें भी यही बात थी कि लोगों को राष्ट्रवाद के लिए खड़ा करना, लोगों को अपने देश के लिए जोड़ना, लोगों को अपने देशवासियों से प्यार करना सिखाना, इन तमाम चीज़ों में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहाँ खास तौर से सिर्फ इतना ही हमको कहना है कि महापुरुष अपनी सेवाएं दे करके लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ना, एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना, अपने देश का विकास करना ये सिखाते हैं। गुरु महाराज कहते थे तोड़फोड़ आंदोलन, इस तरह का धरना प्रदर्शन, किसी तरह का ऐसा कोई कार्य जो देश के लिए नुकसानदायक हो बिल्कुल ठीक नहीं है। महापुरुष इस तरह का कार्य करते हैं जिससे लोग जुड़े और अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, मानव जाति के लिए कुछ सेवा का कार्य करें। आज इस तरह की बात है, 2 अक्टूबर मनाया जा रहा है, देश के लिए गौरव की बात यह है कि पूरे विश्व में तमाम देश के लोगों ने तमाम तरह की चीज़ें दी, कुछ ने नाचने गाने की, कुछ ने कलाओं की, कुछ ने प्रतिभाओं की, तमाम तरह की बातें कही, लेकिन पूरे विश्व में सबसे बड़ी गौरव की बात जो भारतीय संस्कृति के मूल में है, भारतीय संस्कृति का सार अहिंसा, आज विश्व अहिंसा दिवस के रूप में पूरे संसार ने इसको मान्यता प्रदान की है। ये भारत का गौरव है और भारत ने ये पर्व दुनिया को दिया है, विश्व अहिंसा दिवस। आज दो लोगों के जन्मदिन का त्यौहार इस तरह का राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, महात्मा शब्द लगा इसलिए ये बात कही। और भी बहुत सी बातें हैं, हमारे भाई लोग कहेंगे जय गुरुदेव।